तो जय हिंद, नमस्कार, वेलकम जी, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए, फिजिक्स का हमारा यह क्लास दूसरा क्लास है साथियों। इससे पहले क्लास आपका जो वन मैंने रिकॉर्ड किया था, है ना, बहुत ही मजा आया। आप सभी ने बहुत सारा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट भी किया था, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। किसी तरह से सपोर्ट और प्यार हमें चाहिए। तो चलिए, यह हमारा पार्ट टू है प्रकाश का प्रवर्तन। तो जान लेते हैं कि मैंने हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए ध्यान से, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था क्या हम लोगों ने पहले कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, उनके बारे में बताए थे। उसके बाद प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यह भी आपको बताए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। आपने आपको मैंने पढ़ाया था कि निर्वात में चाल कितना होता है, कांच में कितना होता है, और आपका जो था पानी में कितना होता है, इसे भी बताए थे। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यह सब आपको पढ़ाए थे। फिर हम लोग पढ़े थे क्या पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। इन सारे चीजों को हमने पार्ट वन में पढ़ लिया था साथियों। यदि आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। नीचे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या टॉपिक है। चलिए आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण। थोड़ा सा तबियत जो है ना डाउन हो गया था जी, इसलिए थोड़ा आज मूड थोड़ा थोड़ा स्लो है, है ना। तो चलिए, प्रज्वलन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण जो है ना दो प्रकार से किया गया है। देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण तो इसका वर्गीकरण जो है ना दो प्रकार से किया गया है। एक हमारा होता है प्रदीप्त पदार्थ। चलिए, प्रदीप्त या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्तमान पदार्थ, और दूसरा हमारा होता है, यह नंबर एक में हो गया। नंबर दो आपका हो जाएगा अप्रदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्तमान पदार्थ या अदीप्त वस्तुएं, अदीप्तमान पदार्थ, पदार्थ बोलिए या वस्तु बोलिए, बात वही हुआ। अब देखिए, ये प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब होता है कुछ वस्तुएं देखिए ऐसी होती है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, देखिए प्रदीप्त का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं अपने से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, खुद अपने से प्रकाश को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है ना, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, यह खुद से क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपका जो है ना बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब जो है, बल्ब क्या करता है, अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। आपका दिया हो जाएगा, आपका दीपक हो जाएगा, ये सभी क्या है, ये सभी है हमारा भाई प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त पदार्थ है। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जैसे देखिए आपका, जैसे कि मान लीजिए टेबल हो गया, है ना, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, क्या ये सब प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपको चले पत्थर हो गया, पत्थर हो जाएगा आपका, लोहा हो जाएगा, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, और जो वस्तुएं स्वयं अपने से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपने से प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। चलिए यात्रा अच्छी तरह से जान लेते हैं। देखिए, प्रदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ या दीप्तमान पदार्थ, ठीक है ना, प्रदीप्त पदार्थ या दीप्तमान पदार्थ या दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो खुद से अपने से प्रकाश को उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। साथियों देखिए, आपका यह मोमबत्ती जो है यह खुद जो है स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न कर रही है, आपका विद्युत बल्ब जो है खुद अपना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, आपका याद की आपका सूर्य जो है ना इसका खुद का अपना प्रकाश है, यदि आपका लालटेन जो है ना सब खुद का अपना प्रकाश है,
यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, जलता हुआ विद्युत का बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सभी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं में देखिए, अप्रदीप्त पदार्थ, पदार्थ को वस्तु भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वस्तु या पदार्थ एक ही चीज हुआ। अप्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त पदार्थ, वैसे पदार्थ जो स्वयं, या बोल सकते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है, उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा लेकिन हाँ प्रकाश की उपस्थिति में वह दिखाई पड़ेगा, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यह तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में यह हमें दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, अच्छा आप सभी सोचते होंगे सर जी चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है, रात में तो चंदा मामा झलकता है, दिखाई पड़ता है ना, चंदा मामा दूर से क्या बोलते हैं पूरी पकाए घूम घूम के जैसे भी ना, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का साथियों अपना प्रकाश नहीं होता है, यह जो है ना सूर्य के प्रकाश में वह चमकता है। जब सूर्य जो है ना, जब सूर्य चंद्रमा को, जब चंद्रमा के आगे सूर्य आ जाता है तब वह जो है ना सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का जो है अपना प्रकाश नहीं है, यह हमारा हो जाएगा अप्रदीप्त पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, ये सभी क्या है? देखिए लकड़ी क्या है, यह प्रकाश उत्पन्न करेगा क्या? नहीं करेगा, लेकिन हाँ प्रकाश की उपस्थिति में यह दिखाई पड़ेगा। आपका पत्थर देखिए, क्या पत्थर क्या रोशनी देता है? क्या नहीं देता है, लेकिन हाँ यह प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ती है, उसे कहते हैं अप्रदीप्त पदार्थ। क्लियर है सबको? चले जी आगे बढ़ते, अब हमारा है प्रकाश स्रोत क्या है। चलिए, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश स्रोत क्या है? देखिए स्रोत का मतलब होता है सोर्स, क्या होता है जी? स्रोत का मतलब सोर्स होता है। अब जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, उन वस्तु को हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे अभी हमें प्रकाश जो मिल रहा है, यह बल्ब से मिल रहा है, यह ट्यूबलाइट से प्रकाश मिल रहा है, तो प्रकाश का स्रोत हमारा क्या हो गया? ट्यूबलाइट हो गया। हमें दिन में सूर्य से क्या करता है? सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, तो हमारा क्या सूर्य क्या हो जाएगा? प्रकाश का एक स्रोत हो जाएगा। यानी कि कहने मतलब हुआ, जिस वस्तु से साथियों प्रकाश निकलता है उस वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए आंसर आपका है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब देखिए तो प्रकाश किससे किससे निकलता है? प्रकाश तो हमारा सूर्य से भी निकलता है, हाँ कि ना? प्रकाश तो हमारा जो है ना लालटेन से भी निकलता है, प्रकाश हमारा जो है ना जुगनू से भी निकलता है। अब जुगनू क्या होता है जी? जुगनू पता है, जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है। क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है जो रात में जो है किसी झाड़ी वगैरह में जो है ना वह दिखाई पड़ेगा, उसका पिछला हिस्सा भुगवा भुगवा करता बढ़ता है, ठीक है ना। हमारा दीपक हो जाएगा, दिया हो जाएगा, है ना, जलता हुआ विद्युत का बल्ब हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, ये सभी क्या है? इन सभी से प्रकाश निकलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे जी? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उन सभी वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश किससे निकलता है? सूर्य से निकलता है, तो सूर्य क्या हो जाएगा? प्रकाश एक स्रोत हो जाएगा। लालटेन से प्रकाश निकलता है, तो लालटेन भी क्या हो जाएगा? एक प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। आपका जुगनू, जुगनू से प्रकाश निकलता है, जुगनू एक कीड़ा होता है, उसके पिछला हिस्सा जो ना भुगभा करता है बढ़ता है ना, तो यह क्या हो गया? हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया। दीपक, समझ रहे ना, सरसों तेल में जो जलता है, और दिया अलग होता है। दिया जो है ना मिट्टी तेल, इसमें दिया में मिट्टी तेल का प्रयोग होता है, और दीपक में आपका सरसों का तेल का प्रयोग होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं मंदिर
सॉरी मंदिर में इसका यूज करते हैं, मंदिर में दीपक वगैरह जलाते हैं ना, तो वहां पर यूज करते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे गौर किए, अब देखिए एक चीज आपको यहां समझना होगा कि प्रकाश का जो स्रोत था, प्रकाश का जो स्रोत था यह दो तरह का होता है। प्रकाश हमें जो है ना दो तरह से प्राप्त होता है। कैसे होता है? एक तो हमारा जो है ना प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे कि हमारा सूर्य, सूर्य जो एक प्रकाश का स्रोत है लेकिन यह प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। जैसे हमारा जुगनू, जुगनू जो है ना यह भी हमारा प्रकाश का स्रोत है लेकिन यह जुगनू एक कीड़ा है जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, कीड़ा को आदमी ने नहीं बनाया है। उसके बाद बात करेंगे सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, और प्रकृति में क्या जैसे तारे हो जाएंगे, तारे, तारा का भी अपना प्रकाश होता है। ये सभी क्या है, सब प्रकाश का स्रोत है लेकिन यह प्राकृतिक स्रोत है। अब दूसरा हमारा आता है प्रकाश का स्रोत, एक में हमारा था प्राकृतिक, दूसरा हमारा है क्या कृत्रिम, कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित। क्या बोलते हैं भाई? मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। कृत्रिम स्रोत को मानव निर्मित स्रोत भी कहते हैं। तो आप पता लगाइए कि मानव ने क्या क्या बनाया है जिससे कि हमें प्रकाश मिलता है। तो मानव ने क्या बनाया भाई? मानव ने तो क्या बनाया है जी, बल्ब बनाया है, बल्ब से प्रकाश निकलता है। तो बल्ब क्या हो गया, प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत हो गया। जैसे लालटेन किसने बनाया है, आदमी ने बनाया है ना, मानव ने, तो हमारा लालटेन भी क्या हो जाएगा, प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत हो जाएगा, यानी कि मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा। जैसे टॉर्च देखिए, टॉर्च, टॉर्च का निर्माण भी किसी आदमी ने ही क्या होगा। अब देखिए मोबाइल, मोबाइल तो आप लोग के पास होगा है ना, उसी मोबाइल से हम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, ये क्या मोबाइल हो गया, मोबाइल से भी रोशनी निकलता है, और मोबाइल को किसी व्यक्ति ने ही बनाया होगा, किसी आदमी ने ही बनाया होगा। चलिए लैपटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप से भी प्रकाश निकलता है, यह भी हमारा प्रकाश का क्या कृत्रिम स्रोत हो जाएगा। दीपक, दिया, दीपक हो जाएगा, दिया हो जाएगा, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश का, प्रकाश स्रोत का एक कृत्रिम स्रोत है। इन सभी का निर्माण मानव के हाथों के द्वारा हुआ है, इसे कहते हैं प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं, यानी कि प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। और बात करेंगे कृत्रिम स्रोत का, यह भी प्रकाश का ही तो स्रोत है लेकिन यह प्रकृति के द्वारा है, इसको आदमी ने नहीं बनाया है, यानी इसे मानव ने निर्माण नहीं किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का, सॉरी ये पहले आ जाए प्राकृतिक है ना, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश का वैसा स्रोत जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसे कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। या आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाश का वैसा स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है वह प्रकृति प्रदत्त है उसे कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। अगर बात करेंगे कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, प्रकाश का वैसा स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने हाथों से किया है उसे कहते हैं प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो उसे कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक, सॉरी कृत्रिम स्रोत कहते हैं, यानी कि मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो यहां से एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश जो है हमें दो रूप में मिलता है, एक प्राकृतिक रूप में मिलता है, एक कृत्रिम रूप में मिलता है। प्राकृतिक जिसका निर्माण की ईश्वर के द्वारा हुआ है, जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, मनुष्य का बस का बात नहीं है। और कृत्रिम स्रोत का मतलब होता है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जो मनुष्य का बस का था और मनुष्य ने खुद अपने हाथों से बनाया है उसे कहते हैं प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहले आपको हम समझा दिए भी है कि प्रकाश स्रोत पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत।
तो प्रकृति में क्या क्या आ जाएगा हमारा, प्रकृति में हमारा वही आ जाएगा जुगनू आ जाएगा, हमारा सूर्य आ जाएगा, हाँ कि ना, सूर्य आ जाएगा, तारे आ जाएंगे और सब चीज आ सकता है इसमें जो जो कि हमारा प्रकृति के द्वारा है। और मानव निर्मित का मतलब क्या, कृत्रिम स्रोत। अभी बताया था हमको कि मानव निर्मित का मतलब होता है कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत यानी कि ऐसा स्रोत, प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने हाथों से मन पसंद से बनाया है, उसे कहते हैं प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे कि मानव ने क्या क्या बनाया जी, विद्युत बल्ब बना दिया है, मानव ने दीपक बना दिया है, मानव ने दिया भी बना दिया है, मानव ने मोबाइल बना दिया है, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। लैपटॉप ये भी क्या है, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत ही है, या टॉर्च हो जाएगा हमारा टॉर्च, इत्यादि वगैरह वगैरह है ना, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कृत्रिम स्रोत समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश के ऐसे स्रोत जो हमारी प्राकृतिक और ब्रह्मांड का हिस्सा है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, ये हमारा ब्रह्मांड का हिस्सा है, ये हमारा प्रकृति का हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का कृत्रिम प्राकृतिक स्रोत, सॉरी प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। यदि आपको यह परिभाषा पसंद ना आया हो तो आप ये भी लिख सकते हैं अथवा दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, प्रकाश का वैसा स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया हो, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। आया बात समझ में, यानी कि प्रकाश का वैसा स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य का बस का बात नहीं था, मनुष्य ने नहीं किया है, यानी कि मानव ने नहीं किया है, बल्कि वह प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य, इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, तारे को मनुष्य ने नहीं बनाया है, जुगनू इसको भी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मानव, देखिए प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कृत्रिम स्रोत भी कहते हैं, कृत्रिम स्रोत भी कहते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत यानी कि मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश देखिए क्या है कि प्रकाश के वैसे स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने क्या है, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे कि लालटेन, मोमबत्ती, ट्यूब, दीपक, दिया, ये सभी क्या है, प्रकाश का एक हमारा कृत्रिम स्रोत है। इन सभी को किसने बनाया है, तो मानव ने बनाया है, यानी कि जिसको जिस प्रकाश का वैसा स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ हो, मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, अपने मनपसंद हाथों से बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं, यानी कि मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही अच्छा है, हम लोग अभी तक प्रकाश के बारे में ही पढ़ रहे थे, अब हम लोग आ चुके हैं जो मेरा मेन टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, तो आ चुके प्रकाश का परावर्तन। चलिए तो आते हैं, पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है, पहले आपको समझा ही दिया, प्रकाश समझ रहे हैं ना, रोशनी जो लाइट होता है उसको प्रकाश कहते हैं। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन को अपना भाषा में कहते हैं टकरा कर लौटना। क्या बोलते हैं, परावर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु से टकरा कर लौटना, यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहता है, कहलाता है, यानी कि प्रकाश किरणों का, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश
किसी वस्तु से टकराकर जब वापस लौटती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यदि मान लिया जाए कोई वस्तु है यहां से प्रकाश पड़ेगा और लौट जाएगा, तो यह जो घटना घटा ना, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश लौट रहा है ना, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसका आंसर है कि प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से टकराकर वापस रिफ्लेक्स हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो प्रमुख नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं जी? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं भाई? दो नियम होते हैं। कौन कौन? पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे भाई? दो होते हैं। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम? दो नियम होता है। तो चलिए क्या करते हैं, एक प्रकाश का हम लोग परावर्तन अच्छा से बना लेते हैं। देखिए, या कोई हमारा समतल दर्पण है, ये देखिए, इसको हम लाते हैं समतल दर्पण, ठीक है। यहां से प्रकाश किरणें आई, इधर से आ गई और आने के बाद यहां से लौट जाती है। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, और यहां पर जो होता है सो कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु। चलिए, उसके बाद जो है ना, एक बीच में आपका होता है अभिलंब, इसको क्या कहते हैं? यदि लंबवत पड़ेगी और यह लंबवत ही निकल जाती है। यानी जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर, किसी वस्तु पर लंबवत पड़ती है, यानी 90 पे पड़ती है, तो परावर्तन के बाद वह सीधे निकल जाती है, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वह निकल जाती है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। चलिए, तो हमारा क्या था? आपतन को पहला क्या था नियम? देखिए पहला नियम क्या था, देखिए पहला नियम क्या था कि आपतित किरण है ना, था आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। इसको समझ के पढ़िएगा फिगर के माध्यम से, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और फिजिक्स को ना रटा नहीं जाता है, फिजिक्स को एकदम समझ के पढ़ा जाता है भाई, ठीक है ना, फिजिक्स को रटा नहीं जाता है, रटिएगा तो फिर हो गया। क्या था? और अभिलंब था, अभिलंब। तो क्या क्या, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या था? दूसरा क्या था? यह आपतन कोण जो बनता है आई, ये परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होता है, यानी कि आई बराबर आर होगा, तो आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात आई बराबर जो होगा भाई, यानी आई मतलब होगा आपतन कोण, आर मतलब होगा परावर्तन कोण, तो आई बराबर आर होना चाहिए। यानी कि यदि हमारा आपतन कोण, अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के अनुसार से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं?
बराबर होते हैं, इसलिए आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। यदि आपतन कोण हमारा अगर 20 डिग्री हो जाता है मेरे भाई, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। यदि आपतन कोण 40 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। क्लियर है सबका? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, छोटा सा क्लास था, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।